आज हमारा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है, पर फिर भी गाड़ियों के फीचर्स को लेकर बहुत पीछे है। दुनिया भर में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत तेज गति से आगे बढ़ती जा रही है, फिर चाहे गाड़ी के फीचर्स हो, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, सेफ्टी हो या कंफर्ट हो। जहाँ पर टेक और इनोवेशन की बात आती है तो सब कुछ आसमान छू रहा है। अधिकतर इंडियन ऑटोमेकर्स ने यह वादा किया था कि BS6 नॉर्म्स के साथ सारी गाड़ियों को अपडेट किया जाएगा, और ये वादा निभाया भी, पर गाड़ियों को बहुत बड़े अपडेट नहीं दिए, ना तो गाड़ियों के डिजाइन में और ना ही गाड़ियों के फीचर्स में। ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स है जो आपने शायद ही कहीं पर देखे होंगे। हाल फिलहाल कुछ निर्माता इन फीचर्स को अपने गाड़ियों में ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये फीचर्स हमारे इंडियन कार्स में जल्दी आ पाएंगे। तो चलिए इन फीचर्स को एक एक करके देख लेते हैं। रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट, ये एक सेफ्टी फीचर है जो पार्किंग से गाड़ी को निकालते वक्त काम आता है। सड़क पर सही एंगल से पार्किंग की जगह से गाड़ी को बाहर निकालना अक्सर एक चुनौती भरा काम होता है। सड़क पर से गाड़ियां आ रही होती है और हमें बार बार ये देखना पड़ता है कि सड़क पर कोई गाड़ी तो है या नहीं। तो इस कंडीशन में ये रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट वाला फीचर आपको बहुत ही मदद करेगा, जिसमें कि यह फीचर सड़क के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की गाड़ियों को मॉनिटर करता है। सड़क पर जो अभी गाड़ी है वो कितनी दूर पर है, कितने स्पीड से आ रही है, गाड़ी की डायरेक्शन कौन सी है, ये सब कैलकुलेट करके ये फीचर सबसे पहले ड्राइवर को वार्निंग भेज देता है। गाड़ी को रिवर्स गियर में शिफ्ट करने के बाद ये फीचर एक्टिवेट हो जाता है। यदि कोई वाहन डिटेक्शन एरिया में प्रवेश करता है तो विजुअल वार्निंग के जरिए डैशबोर्ड, रियर मिरर, साइड मिरर पर ये वार्निंग दिखाई जाती है। इस फीचर को कई बार रियर कैमरा से अटैच किया जाता है, पर इस फीचर के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये कोई भी छोटी से छोटी वस्तु को डिटेक्ट नहीं कर पाता। पर यहाँ पर मजे की बात यह है कि सुजुकी अपने ग्लोबल लेवल्स की कार में ये फीचर देता है, पर इंडिया में तो इन्होंने हमें उल्लू बना के रखा है। टॉर्क वेक्टरिंग, नाम से ही समझ आता है कि ये फीचर टॉर्क से रिलेटेड है। इस फीचर को ब्रेक वेक्टरिंग भी कहा जाता है। टॉर्क वेक्टरिंग असल में एक गजब का फीचर है जो गाड़ी को सही से कंट्रोल में रखता है। इस फीचर को डेवलप करते वक्त इंजीनियर्स ने चीते को ध्यान में रखा है। जैसे कि चीता शिकार करने के लिए तेजी से दौड़ता है और दौड़ते वक्त अपने हर एक पैर पर सही से प्रेशर डालता है और इस सारी प्रक्रिया को टर्न लेते वक्त भी कंट्रोल करता है, तो ऐसा ही सेम टॉर्क वेक्टरिंग भी हमारे गाड़ी के साथ करता है। टॉर्क वेक्टरिंग गाड़ी के टॉर्क को व्हील्स और एक्सेल्स तक सही से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें कि गाड़ी की ग्रिप, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। जब आप हाई स्पीड पर टर्न लेते हैं तब ये फीचर कुछ हद तक गाड़ी के ब्रेक्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है, जिससे गाड़ी पर कंट्रोल बना रहे। इसमें मजे की बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं। ये फीचर स्टेबिलिटी, हैंडलिंग, ग्रिप और परफॉर्मेंस को बढ़ोती देता है। इंटरनेशनल लेवल पर टॉर्क वेक्टरिंग बहुत कॉमन हो गया है, पर हमारे इंडियन कार्स में ये फीचर नहीं मिलता। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जबकि हमारी इंडियन कार्स सिर्फ दो एयरबैग्स और ABS प्लस ABD यहाँ पर ही अटक गई है, पर ग्लोबल लेवल पर तो कार्स सेफ्टी फीचर से भरी पड़ी है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग उसमें से ही एक फीचर है जो बहुत कॉमन हो गया है। अगर आपके गाड़ी में ये फीचर है तो 72% चांसेस है कि आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इस फीचर में दरअसल अगर आपके गाड़ी के सामने कोई भी चीज़ अचानक से आ जाती है तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत ही गाड़ी को रोक लेता है। इसमें सामने के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये सिस्टम एक्सीडेंट से बचने के लिए ड्राइवर को बार बार वार्निंग देती रहती है। अगर वार्निंग देने के बाद भी ड्राइवर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तब ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली ब्रेक्स को अप्लाई करता है और कार को तुरंत ही रोक लेता है। हाल फिलहाल MG ग्लोस्टर में ये फीचर देखने मिल जाता है, पर अगर ये फीचर कम बजट वाली इंडियन कार्स में आता है तो निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। बाकी ऑटोमेकर्स का तो पता नहीं, पर टाटा और महिंद्रा से उम्मीद है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आपने इस फीचर के बारे में जरूर सुना होगा। वैसे क्रूज कंट्रोल तो कॉमन हो गया है, पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है, क्या वाकई में ये फीचर फायदेमंद है या नहीं, चलिए देखते हैं। पहली बात तो यह है कि
पिछले कुछ वर्षों में इंडियन हाईवेज को प्रॉपरली मेंटेन रखा गया है। गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स यह इस फ्यूचर की पहली ज़रूरत है। सड़कों पर लाइन मार्क्स होने चाहिए और सड़कों पर गड्ढे कम से कम होने चाहिए, तभी जाकर यह फीचर ठीक से काम करेगा, वरना इस फीचर का इंडिया में कुछ भी फायदा नहीं है। जहाँ पर क्रूज कंट्रोल सिर्फ गाड़ी के स्पीड को मेंटेन रखता है, वहीं पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल स्पीड को मेंटेन करके डिफरेंट कंडीशंस के अनुसार स्पीड को स्लो डाउन भी करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये फीचर मौजूद है और आपने आपके गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर सेट की है, अगर कुछ देर के बाद आपकी गाड़ी के सामने कोई और गाड़ी आ जाती है तो इस कंडीशन में तो सिंपल क्रूज कंट्रोल खुद से कुछ भी नहीं करेगा, जबकि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गाड़ी का स्पीड स्लो करता है और जब सामने की गाड़ी चली जाती है तब स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। ग्लोबल लेवल पर तो ये फीचर बहुत पुराना हो गया है और साथ ही कॉमन भी हो गया है, पर इंडिया में बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में तो ये फीचर 2 साल पहले ही आ गया था, पर सिर्फ हाई एंडेड कारों के साथ। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग बगल की लेन में पीछे किसी अन्य वाहन की पोजीशन का पता लगने के लिए किया जाता है। जैसे ही पीछे की गाड़ी बहुत करीब आ जाती है, वैसे ही कार के ओवरवियम्स में लाइट जलती है और ड्राइवर को वार्निंग दी जाती है। लेन डिपार्चर वार्निंग। कई सेफ्टी फीचर्स जो ग्लोबल लेवल में देखने मिलते हैं, पर इंडिया में यहाँ पर सपना बनकर रह गए हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग उसमें से ही एक फीचर है जो हाईवेज पर एक्सीडेंट को कम करता है। खासकर वो लोग जो लेन में ड्राइविंग नहीं करते, उनके लिए यह फीचर बहुत ही काम का है। लेन डिपार्चर वार्निंग एक कैमरे का उपयोग करता है और यह पता लगाता है कि कार लेन के बीच में चल रही है या नहीं। अगर नहीं तो कार का MID यूनिट यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पर तुरंत ही चेतावनी भेज दी जाती है। लेन कीप असिस्ट। ये भी एक सेफ्टी फीचर है जो लेन डिपार्चर वार्निंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। जो कैमरा लेन डिपार्चर वार्निंग में यूज़ होता है, वही सेम कैमरा यहाँ पर भी यूज़ होता है, पर यहाँ पर आपको लेन के बारे में चेतावनी देने के बजाय यह फीचर इसे अपने आप खुद ब खुद ठीक कर लेता है। यह आपके स्टीयरिंग इनपुट के बिना भी लेन में बनाए रखता है, बशर्ते आपको सतर्क रहना होगा। क्लियर स्लाइट रियर व्यू। इंटरनेशनल मार्केट में कई लग्जरियस कार में यह फीचर आता है। यह बड़ी SUVs, लंबी लग्जरी सेडान जैसी बड़ी कारों में प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। कार मेकर्स टेलीगेट पर कैमरा इंस्टॉल करते हैं और वीडियो IRVMs में दिखाई देता है। इसे आप जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। ये फीचर ब्लाइंड स्पॉट्स को और भी क्लियर करता है और उन्हें IRVMs में दिखाने की पूरी कोशिश करता है। टेस्ला सेंट्री मोड। सेंट्री यानी कि पहरेदार। क्या आप अपनी कार को पार्क करने के बाद चिंतित हो जाते हैं? तो ये फीचर आपकी चिंता दूर कर देगा, जिसमें यह आसपास के कार कैमरे के माध्यम से कार के चारों ओर संदिग्ध हालचाल पर नजर रखता है। यदि कार में कोई बेवजह अंदर आने की कोशिश या फिर कार का सिंबल चोरने की कोशिश, कार को लात मारना, गाड़ी की कांच फोड़ना, ओवरवीएम्स को जोर से धक्का मारना, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें आपके गाड़ी के साथ कोई अगर करता है तो वो तुरंत ही रिकॉर्ड हो जाता है। अगर परिस्थिति और भी बिगड़ जाती है तो अलार्म बजने लगता है और मालिक को तुरंत ही सूचित कर दिया जाता है। ऑटो पायलट एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जिसमें कि गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लगती है। जो लोग ड्राइविंग के दीवाने नहीं है, उनके लिए यह फीचर बड़े काम का है। जहां पर आपको सिर्फ ऑर्डर्स देने होते हैं, गाड़ी अपने आप खुद ब खुद ब्रेक लगाएगी, एक्सीलेटर दबाएगी, स्टेयरिंग को मोड़ेगी, पर यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि हाईवेज पर लेन मार्किंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए, ट्रैफिक कम होना चाहिए, तभी जाकर ये फीचर काम आएगा। हाल फिलहाल ये फीचर ग्लोबल लेवल पर तो इतना सक्रिय नहीं है, पर इंडिया में ऑटो पायलट किस हद तक काम आएगा ये तो समय ही बताएगा। तो यही थे वो कुछ फीचर्स जो अभी तक हमारे मिड रेंज की कारों में नहीं देखने मिलते। अगर इंडियन कार्स में ये फीचर्स आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक कार एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। तो यही थे वो कुछ फीचर्स जो इंडियन कार्स में नहीं देखने मिलते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।